हेलो एवरीवन, सो आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दैट इज आर्मस्ट्रांग नंबर। आर्मस्ट्रांग नंबर हम किसे कहते हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। सपोज आपके पास एक नंबर 153, तो अगर मैं 1 का क्यूब करूं, फिर 5 का और फिर 3 का, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 125 प्लस 27, 153। तो वापस हमें वही नंबर मिल चुका है, ओरिजिनल नंबर। तो ऐसे नंबर जिनमें हर एक डिजिट का क्यूब करने के बाद सम करने पर वापस वही नंबर मिल जाए, तो उसे हम आर्मस्ट्रांग नंबर कहते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि 0, 1, 153, 370, 407। तो आपको सीमे का ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि ये बताए कि जो एंटर नंबर है वो आपका आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नम नाम के वेरिएबल में कोई भी वैल्यू को एंटर करवाएंगे। सपोज नम की वैल्यू यूजर ने एंटर कराई है 153। अब यही जो नम की वैल्यू है इसको ओरिजिनल में भी स्टोर करा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका नंबर ओरिजिनल की वैल्यू 153। अब हम एक लूप चलाएंगे वाइल जो ये ओरिजिनल है ये जब तक जीरो नहीं होता, राइट, ओरिजिनल इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो आई एम राइटिंग अ कोड हियर दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। सो नम इज इक्वल टू ओरिजिनल मॉडुलस 10, और यहाँ पे है सम इज इक्वल टू सम प्लस रिम। रिम स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर, आर ई एम और आर ई एम, एंड अगेन ओरिजिनल इज इक्वल टू ओरिजिनल डिवाइडेड बाई 10। सो इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप जब होगा, स्टार्टिंग में ओरिजिनल की वैल्यू है 153, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ट्रू है, तो हम आ जाएंगे यहाँ अंदर, तो नम कितना हो जाएगा, मॉडुलस 10 क्या करता है, लास्ट डिजिट देता है। किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट को लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मॉडुलस 10 का। तो मॉडुलस 10 153 मॉडुलस 10, तो इससे मिल जाएगा आपको 3, राइट। और सम की वैल्यू स्टार्टिंग में हम 0 लेंगे, तो 0 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3, तो सम की वैल्यू हो चुकी है आपकी 27, राइट। अब अगर आप ध्यान दें तो हम ये वाला पार्ट हम यहाँ पे ले चुके हैं, अब हमें 3 को हटाना है। 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 153 डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या करता है, स्किप्स लास्ट डिजिट को स्किप करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ओरिजिनल की वैल्यू 15। सो कभी भी आपको अगर लास्ट डिजिट चाहिए तो मॉडुलस 10 करेंगे, और लास्ट डिजिट हटानी है तो डिवाइड बाय 10। तो नेक्स्ट राउंड के लिए ओरिजिनल की वैल्यू हो गई है 15, विच इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। अब फिर से नम की वैल्यू कितनी होगी, ओरिजिनल मॉडुलस 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, लास्ट डिजिट क्या है 5, आपको डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, यू कैन डायरेक्टली राइट द लास्ट डिजिट, तो ये 5 है। सम की वैल्यू पहले थी हमारी 27, इसके बाद 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 27 प्लस 152। तो अगर आप ध्यान दें, ये 27 और 125 इतना पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, इसके बाद हम 5 को भी हटा देंगे और सिर्फ 1 के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, तो ओरिजिनल की वैल्यू आपकी नेक्स्ट राउंड के लिए कितनी हो जाएगी, 15 डिवाइडेड बाई 10, तो 5 हट जाएगा, स्किप्स लास्ट डिजिट, ओरिजिनल की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। अब जब थर्ड इटरेशन चलेगी तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू है, तो नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मॉडुलस 10, 1 को 10 से अगर रिमाइंडर चेक कर रहे हैं तो 1 ही आएगा, और सम कितना हो जाएगा, 152 और प्लस 153। और अब ओरिजिनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल की वैल्यू
वन डिवाइडेड बाई टेन तो आ जाएगा जीरो. अब नेक्स्ट इटरेशन में जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये फॉल्स होगी तो ये वाला लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा. अब हम क्या कंपेयर करेंगे, इस सम को कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टार्टिंग में जो आपके पास नम था. तो इस लूप के बाद जो कंडीशन आएगी दैट इज इफ सम इज इक्वल टू नम, अगर ये बराबर आए हैं तो ये आपका आर्मस्ट्रांग नंबर है राइट, और अगर ये बराबर नहीं आए हैं तो नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस आर्मस्ट्रांग नंबर. सो वी विल सी अ प्रोग्राम फॉर दिस आर्मस्ट्रांग नंबर. सो लेट्स अब यहाँ पे आर्मस्ट्रांग नंबर का प्रोग्राम बना रहे हैं, और ये एज यूजुअल हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे जो कि मैंने आपको लॉजिक में समझाए थे अभी, और जो यहाँ पे नंबर होगा वो यूज़र एंटर कराएगा और जो नम नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा. यहाँ पे REM जो वेरिएबल है ये रिमाइंडर को सिग्निफाई कर रहा है, और यहाँ पे हम सेम लॉजिक लिख लेंगे जो अभी हमने समझा था, और लास्ट में हम जो सम है और जो नंबर था उसको कंपेयर करेंगे. अगर वो इक्वल आते हैं तो आर्मस्ट्रांग नंबर होगा, और अगर वो इक्वल नहीं आते हैं तो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं होगा. और ये मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूलस 10 लास्ट डिजिट देता है और डिवाइड बाय 10 लास्ट डिजिट को स्किप करता है. सो ये लॉजिक यूज़ करते हुए हम इसे सेव करके कंपाइल और रन करेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने 153 एंटर किया तो यहाँ पे आर्मस्ट्रांग नंबर आ रहा है. अब मैं कोई दूसरा नंबर एंटर करती हूँ जैसे कि 34, तो यहाँ पे आया है नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर. तो इस तरह से हम आर्मस्ट्रांग नंबर को चेक कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.